हाँ कितना ज्यादा ठंड हो गया। नहीं हाँ ये मैं मुंबई में रह के बोल रहा हूँ, ज्यादा ठंडा कर दे, एसी बंद कर देता हूँ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हाँ चलो यार मजाक की बात साइड में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली ये वाला साल आप लोगों का जो लास्ट ईयर था उससे भी बेटर जाए, और ज्यादा आप लोग घूमो और ज्यादा पैसे कमाओ, है ना। अच्छा सबके साथ ही होना चाहिए। तो चलो अभी आज का जो हम लोगों का वीडियो है ना वो यार विंटर गैजेट्स के ऊपर है। तो ये ठंडी के बढ़िया मौसम में आप लोग कॉफी ले लो एक और इंजॉय करना ये वाला वीडियो। तो इस बार ना हम लोग कुछ ऐसे विंटर गैजेट्स लेके आए हैं जो कि आप लोगों के बहुत काम आ सकते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो चलो यार अभी ये एक्चुअल विंटर गैजेट्स देखते हैं। तो चलो यार पहली चीज, सर्दियों में सबसे काम की चीज जो हर घर में होती है या होनी चाहिए, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा है रूम हीटर। तो यार ये चीज तो होनी चाहिए घर पे। तो ये सोलिमो ब्रांड का है बेसिकली, और ये अमेजोन का ब्रांड है, अमेजोन का खुद का ब्रांड है। अब जरा टेस्ट करेंगे भाई कैसा है। अच्छा जरा इसे निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 1000 रुपए के अराउंड में आता है 999 में, ठीक है। तो अभी इसका यूज देख लेते हैं। तो चलो कनेक्ट कर दिया है हम लोगों ने, और यहाँ पे बस ऑन कर देते हैं। तो आप लोग ऑन कर सकते हो, और कुछ इस तरह से आप लोगों को प्लेस करना रहेगा, और हीट थोड़ी बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लोग हीट बढ़ा सकते हैं। तो एक आप लोगों का हीट कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट डायल है, एंड सेकंड डायल इज फॉर फैन स्पीड। तो फैन स्पीड भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, 3 मोड्स हैं इसमें। ओ काफी ज्यादा हीट कर रहा है, बढ़िया कर रहा है यार, मतलब अच्छा खासा कर रहा है। हाथ में सामने नहीं ला पा रहा है इतना ज्यादा गर्म कर रहा है भाई, है तो ये तगड़ा। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक LED इंडिकेशन भी मिल जाएगा, तो जैसे बंद होता है तो यहाँ पे ऑफ हो जाता है, ऑन करते ही आप लोग LED इंडिकेशन भी शो करना चालू कर देगा। तो भाई 1000 रुपये में तो वर्थ प्रोडक्ट है ये। तो ऊपर की साइड से और नीचे से कवर मत करना, तभी हीटर खराब हो जाते जल्दी जल्दी। तो ये चीज़ हो गई। तो ये वाला जो 1000 वाट वाला हीटर था, और इसको आप लोगों को मेन पावर प्लग लगता है, मतलब नॉर्मल ऐसे मल्टी प्लग में ये नहीं लग सकता, इसीलिए ना एक और हम लोगों ने हीटर मंगाया है, मतलब ऑप्शन होना चाहिए ना। तो इसका तो बॉस नाम ही इन लोगों ने हैंडी हीटर रखा है। तो यहाँ पे हैंडी हीटर कुछ है, काफी इजीली पोर्टेबल वगैरह भी है, और साइज में आप लोग देख सकते हो छोटा सा आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ ऐसा आता है, बट भाई काम का है एकदम बढ़िया। तो इसमें आप लोगों को बैक साइड से ऐसा लिड मिल जाएगा जिसे आप लोग रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हो, एंड टॉप में सारे कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जरा एक बार। तो इस चीज का प्राइस है 750 रुपीज समथिंग में आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। अब जरा एक बार लगा के आप लोगों को कंट्रोल्स दिखाता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं इधर इसे प्लेस कर देता हूँ राइट, एंड यहाँ से ऑन करते हैं, तो यहाँ पे हीट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अभी जरा कंट्रोलर्स भी हैं, तो यहाँ से आप लोग टेम्परेचर ऊपर नीचे रेज कर सकते हो और सेट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, गर्मी चाहिए थोड़ी। मैक्स कितना जाता है यार ऑल डे? तो 32 डिग्री सेल्सियस तक आप लोग सेट कर सकते हो, और धीरे धीरे ये हीट भी बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को फैन स्पीड मोड्स मिल जाते हैं, तो एकदम ये काफी लो हो गया, एंड उसके बाद एकदम हाई, राइट। तो 2 ही मोड्स हैं इसमें, लो लो हाई हाई, और टाइमर भी है। तो टाइमर 1 घंटे का 2 घंटे का 3 घंटे ऐसे करके आवर्स के लिए आप लोग सेट कर सकते हो, और हीट करना चालू कर देगा। अब देखो यार किसी को कैसे मिनी हीटर चाहिए, बिकॉज ये जो बड़े वाले हीटर्स रहते हैं ये तो पावर बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट ये भी है ये जल्दी रूम को वार्म कर पाएंगे, इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बट अभी छोटा अगर आप लोगों का रूम है, और या फिर अगर आप लोग एक चेयर पे बैठे हुए हो, या फिर यू आर सिटिंग ऑन अ प्लेस, उसके साइड में बस आप लोगों को थोड़ा सा गर्म करना है, थोड़ा सा वार्म करना है, बेसिकली हीटर के पास में हो, तो आप लोगों का ये पोर्टेबल हीटर काफ़ी काम करेगा, और ये भी रूम को वार्म करेगा बट धीरे धीरे करेगा। एंड इस हीटर में भी साइड में एक आप लोगों को यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, तो यहीं से ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और इट इज़ एडवाइजेबल जो इसका ना मैक्सिमम टेम्परेचर है विच इज़ 33, तो उस पर पूरा टाइम मत चलाना, क्योंकि यूजुअली कॉइल जल जाता है, एकदम मैक्स पे रखते हैं ना, तो हमेशा सब बोलते हैं कि मीडियम पे या फिर थोड़ा कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे ही चलाना चाहिए, वरना आप लोग 2-3 घंटे एकदम मैक्सिमम हीट पे चलाओगे तो कॉइल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एंड चांसेस होते हैं कि हीटर का फ्यूज़ उड़ जाए या फिर कॉइल ख़राब हो जाए, तो थोड़ा मीडियम पे चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। और जैसे हमने चेक किया था ऑर्डर करने से पहले सब रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो रिव्यूज़ तो इसके अच्छे थे। और एक और चीज़, जब आप लोग इसे प्लेस करो ना, तो जैसे कि हम लोग तो रख के आप लोगों को डिस्प्ले कर रहे थे, बट नीचे से रखना नहीं है राइट, ये टेबल वगैरह पे रखना नहीं है, बिकॉज नीचे की साइड में यहाँ पे इसका पूरा फैन है, तो वो अगर ज़्यादा देर के लिए कवर हो जाएगा तो ये हीटर ही ख़राब हो जाएगा। जैसे टॉप में कहीं लगा देना, नीचे से कवर मत करना, हम लोग बस डिस्प्ले के लिए आप लोगों को दिखा रहे थे। और प्राइस तो वही 750 रुपीज़ में आप लोगों को ये मिल जाएगा। ऑलराइट ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। तो ये है एक हम लोगों का लिंट रिमूवर, और जिसका पूरा नाम है वो है फिलिप्स फैब्रिक शेवर। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो यूजुअली वुलन क्लोथ्स रहते हैं ना, उसमें ना बहुत लिंट्स आ जाते हैं और उस पर स्टिक रहते हैं, इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते, वुलन क्लोथ्स के साथ ज़्यादा रहता है। और इसके साथ आप लोगों को बस ऐसे बैटरी प्लेस कर देनी है, वो भी फिलिप्स के इसी के साथ ही आएंगी, है ना, डबल ए बैटरी लगा दी, और इसके बाद आराम से यूज कर सकते हो। तो अभी ना मेरी एक शर्ट थी, ओ कितना ब्लैक हो गया इस रूम में, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये शर्ट में ना आप लोग देख सकते हो काफी सारे लेंस और ऐसे बहुत सारे मार्क्स हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। तो अभी ये फिलिप्स का फैब्रिक रिमूवर टेस्ट करते हैं, और जरा यहाँ से ऑन कर देना है, 0 पे अभी, वह हम लोग 1 पे करते हैं। ओ भाई ठीक है, धीरे धीरे ऐसे कुछ रिमूव करते हैं।
तो काफ़ी हद तक तो रिमूव हुए हैं, एकदम क्लीन लग रहा है अभी। एंड मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, तो जितना भी यहाँ पे लिंट वगैरह रिमूव होगा ना, तो इसके अंदर लॉक के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो इधर भी कुछ है, तो ये लिंट्स जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह रहेंगे ना, सब यहाँ पे हो जाते हैं। और अभी तो हम लोगों ने बस इसे 2-3 मिनट के लिए किया है, बट आप अच्छे से एक बार कर दोगे ना कोई भी क्लॉथ पे, तो सारे लेंस जो भी वुलन के रहते हैं छोटे मोटे, सब बढ़िया क्लीन हो जाएंगे। बस ये है कि इसका प्राइस जो है ना वो 1300 समथिंग है, तो पर्सनली मुझे प्राइस इसका थोड़ा महंगा लगा भाई, कि 1300 रुपये का है, 1300 में कपड़े आ जाते हैं। लेकिन हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ले लिया, उसके बाद हर क्लॉथ के साथ आप लोग कर सकते हो यूज़। अब जो हमारे महंगे पीस ऑफ क्लोथिंग रहते हैं, जो आप बड़े बड़े 3-4 हज़ार के आप लोग लेते हो, ब्लेजर्स, स्वेट शर्ट्स, अब उनको अगर अच्छे से क्लीन करना है तो ये लेंट रिमूवर तब आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। और फिलिप्स का है तो क्वालिटी का कुछ इशू नहीं होगा, और जितने भी मैंने देखे भाई, ये इकलौता ऐसा है फ्लिप्स जो ढंग का ऐसे लेंट रिमूवर बनाता है, बाकी किसी कंपनी के इतने कुछ काम के नहीं थे, तो ये क्वालिटी में आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो जो हम लोगों की नेक्स्ट चीज़ है वो एक सैंड पपी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये एक मिनी हीटिंग बेल्ट है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जरा सा मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ऑलराइट, तो कुछ ऐसा आएगा। और अंदर ना यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक पावर बैंक भी इन लोगों ने प्लेस करके दिया है। तो अगर ये पावर बैंक को मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ, तो एमरेन के साथ टाइप करके इन्होंने एक पावर बैंक इसमें लगाया है, इसी के साथ आता है, ठीक है, हमने अलग से डाला नहीं है। तो यहाँ पे ये पावर बैंक हम लोग कर सकते हैं, 5000 mAh का है, ठीक है, उसे यहाँ पे कुछ प्लेस करना होता है। अब मान लो आप लोग की कोई भी आर्म्स में, जॉइंट्स में कहीं पे भी पेन है, और यूजुअली विंटर्स में ऐसा हो भी जाता है कि किसी का कुछ इंटरनल पेन है, तो थोड़ा एग्जेजरेट हो जाता है ना, तो फिर उन केसेस में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल है और पोर्टेबल प्रोडक्ट भी है। अब लेट्स से कि मैं आर्म में अपना प्लेस करता हूँ, तो इस तरह से मैं कुछ रोल करके लगा सकता हूँ। तो अभी तो मैंने ये हुडी के ऊपर ही यहाँ पे प्लेस कर दिया था, वरना आप लोग ऐसे भी प्लेस कर सकते हो डायरेक्टली अपने हैंड पे। एंड उसके बाद ये जो आप लोगों को कॉर्ड आ रहा है ना, ये कॉर्ड इस तरह से यहाँ पे कुछ प्लेस करना है, तो ये पावर बैंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बस ऑन करेंगे हम लोग, तो ये 3 मोड्स में आता है। तो सबसे पहले आप लोगों का ये लो मोड है, एंड उसके बाद आप लोगों का ये हाई मोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो काफ़ी पावरफुली हीट करता है। प्लस वाइट वाले पे ये मीडियम हीट करना चालू कर देगा, वो हीट हो रहा है एंड मुझे यहाँ पे भी फील हो पा रहा है। अगर आप लोग, अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ हुडी को, उसके बाद अगर प्लेस करोगे तो और अच्छे से आप लोग फील कर पाओगे, काफ़ी जल्दी हीट करना चालू कर देता है। तो ऐसे करके आप लोग इसे यूज़ कर पाओगे। बाकी सारे भी ऐसे आते हैं हीटिंग बेल्ट्स, बट इसका बेनिफिट ये है कि ये पोर्टेबल है, आप लोग इसे कहीं पे भी कैरी भी कर पाओगे, उठ के जाना कहीं चले जाओ ये आप लोगों का लगा रहेगा। पावर बैंक भी इसके साथ कनेक्टेड रहता है, और ये पावर बैंक के कवर को भी ना फुल वेलक्रो स्टिक दिया है, तो फिर आप लोग कहीं पे भी ऐसे स्टिक कर सकते हो, चिपका सकते हो, आराम से लग जाएगा और निकल भी जाएगा। बस ये है कि पावर बैंक वंस इन अ वाइल चार्ज करना पड़ेगा आप लोग। चलो अभी नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, ये है हम लोग एक इलेक्ट्रिक केटल। तो ये ना आप लोगों को फुल गर्म पानी वगैरह चाहिए, उसके लिए काम आएगा, बॉक्स से निकाल लेते हैं जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोडक्ट निकाल लिया है, और ये चीज़ ना आप लोगों ने होटल में बहुत देखी होगी, राइट। तो बस इसको हम लोग जो इसका प्लेट है ना, इसे मैं एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ, कनेक्ट करके रख देता हूँ, और हमारा काम हो गया। पानी भरेंगे एंड यहाँ पे ऊपर की साइड से मैं लिड ओपन कर लेता हूँ, और धीरे धीरे करके वाटर फिल कर देते हैं। तो टोटल इसका जो वाटर कैपेसिटी है वो 1.8 लीटर्स का है, तो अभी तो हम थोड़ा ही भर रहे हैं। एंड लिड यहाँ से बंद कर देंगे, लिड ओपन करने का भी यहाँ पे एक बटन है, वैसे पीछे स्लाइड करके ऐसे ओपन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये हो गया, उसके बाद आप लोगों को बस इस पर प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस कर दिया, साइड से मैं बटन ऑन करूँगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लाइट इंडिकेटर भी आ जाता है। अब इसमें कुछ खास बताने की चीज़ नहीं है भाई, सबको पता है, सब लोगों ने होटल में यूज़ किया हुआ है, और ये काफ़ी इंस्टेंटली हीट करता है। तो लिटरली ये 1 मिनट के अंदर इसने काफ़ी गर्म करना चालू कर दिया, बंद कर देता हूँ, ऑलराइट। तो 1 मिनट के अंदर काफ़ी पानी गर्म हो चुका है, ज़रा आप लोगों को प्लेस करके भी दिखा देते हैं। तो इसको निकालते हैं, गर्मा गर्म पानी। और इसका प्राइस देखेंगे तो प्राइस इस वाले का 1300 रुपीज़ समथिंग है। अब इसमें सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, जो आपको चाहिए वैसा ले सकते हो। तो ये वाले का लिंक और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, एक और चीज़ है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने से पहले, अगर जैसे मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, राइट, अब इसमें से कुछ आप लोगों को डिस्काउंट में चाहिए रहेगा या फिर सेल के टाइम पे परचेस करना है, तो उसके लिए ना हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है बाय द नेम काउंटिंग यूनिक। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे ऑलरेडी पता है, तो आप लोग उधर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे ना ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कोई भी सेल में आया तो आप लोगों को सेल के टाइम पे मिल जाएंगे, और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। और वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी कम्प्लीटली फ्री है, तो बढ़िया डील्स उस पर डेली आती रहती है अमेजोन की, तो वो आप लोगों को वहाँ पर पता चल जाएगी, उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट इसका आते हैं, ये हम लोगों का एक नेक पिलो है बॉस। तो ये आप लोगों ने नेक वाले पिलो तो देखे होंगे, तो वैसे ही कुछ है, नेक सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। यूजुअली ट्रैवल करते टाइम, फ्लाइट्स, ट्रेन, कार, कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को अच्छा नेक सपोर्ट मिल जाता है, और इसको लगा के सो भी सकते हो। बट इसमें कैच ये है कि आप लोगों को ना यहाँ पे हुडी भी मिलती है, ठीक है, तो इसके साथ ही अटैच हुडी है,
जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। इट लुक्स फनी, मतलब ब्लैक जैकेट के साथ ऐसे ग्रे हुडी हो गया, बट यू गॉट द पॉइंट, है ना। मतलब आप लोगों का काम तो हो जाएगा अगर ऐसे थोड़ा बहुत ईयर्स कवर करने हैं और थोड़ा सा हुडी चाहिए तो उसके साथ ही आता है। नहीं यूज़ करना तो ये साइड में आप लोग ऐसे प्लेस कर सकते हो, बट इट्स अ एडेड ऑप्शन, है ना। तो ये एक हुडी आप लोग एक्स्ट्रा मिल जाती है, वैसे तो इस जैकेट को भी हुडी है तो दो दो हो जाती है मेरे पास। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, ये चीज़ भी आप लोगों को नियर अबाउट 500 रुपीज़ में मिल जाती है। तो अगर प्रोडक्ट्स चेकआउट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा हम लोगों को ज़रा कमेंट्स में बता दो। एंड वंस अगेन विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, होपफुली कुछ और नया हो जाए साल में। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कोरोना ना आए। आप लोग एक कमेंट से, स्टूडेंट्स को चाहिए क्या कोविड आ जाए? तो चलो भाई, इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।